শ্রম নীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অতি তৎপরতা এবার মারাত্মক হুমকি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। অর্থনীতিতে ধাক্কা খাবে বাংলাদেশ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই শ্রম নীতির কথা এবার বলে থাকতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया की ये वीडियो है और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अब अमेरिका ने बांग्लादेश के खिलाफ नई चाल चलना शुरू कर दी है। इससे पहले तो वो बांग्लादेश को कहता हुआ नज़र आता था कि बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स की बहुत ही ज़्यादा खिलाफ वर्जी की जाती है और फिर कहता था कि बांग्लादेश में जमहूरियत नहीं है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर जो इलेक्शन है वो मैनेज्ड होते हैं, हम इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अब एक नया रास्ता अपना लिया है। वो उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आपने देखा कि जो अमेरिका है वो इज़राइल का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो बांग्लादेश को किस मुंह से कहेगा कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है बांग्लादेश में? क्या उसको फ़लस्तीन में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं आती? जो इज़राइल कर रहा है वहाँ पर वो खामोश है, वहाँ पर वो बेनकाब हो चुका है और वहाँ पर वो हिपोक्रेसी दिखा रहा है, इसलिए अब उसने नया रास्ता अपना लिया है। अब वो ना ही बांग्लादेश को कहेगा कि आपके पास जमहूरियत नहीं है, आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। असल में अब वो तंग करना चाहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये इंडियन मीडिया भी यही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अब बांग्लादेश को जो नया रास्ता अपनाया है, जो नया बहाना अपनाया है, वो ये है कि बांग्लादेश को कहा जा रहा है कि आप वर्कर्स का इस्तेहसाल करते हैं, यानी एक्सप्लॉयट करते हैं आप अपने वर्कर्स को, आप उनके हकूक नहीं देते, उनके राइट्स नहीं देते, काम ज़्यादा लेते हैं, सैलरी पे तनख्वाह आप बहुत कम देते हैं। वो ये कह रहे हैं हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सेंशंस लगाएंगे, बिजनेस सेंशंस लगाएंगे, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर सेंशंस लगाएंगे। तो फिर बदले में बांग्लादेश का जवाब भी क्या कमाल का जवाब है। बांग्लादेश ने जो जवाब दिया है उसने कहा है कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, अमेरिका हमें क्या रिलीफ देता है। आप ये सोचने वाली बात है, बांग्लादेश को तो कोई भी वो रिलीफ नहीं देता। बांग्लादेश हत्ता के जो अपनी एक्सपोर्ट्स करता है गारमेंट्स में, बहुत ज़्यादा जो मकबूल है, फेमस है उसकी मार्केट में अमेरिका की, यूएसए की, वहाँ पर भी वो 19% ड्यूटी देता है, उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है। और अगर बात करें भारत की तो वो सिर्फ 13% उनके ऊपर ड्यूटी लगती है और पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत कम लगती है। यानी अब वो कह रहा है कि हम सबसे ज़्यादा, हत्ता कि चाइना से भी ज़्यादा, हम हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो हमें कोई परवाह नहीं है, अमेरिका का हमें कोई वो नहीं है प्रेशर कि हम तमाम चीज़ें अमेरिका की मान कर ही चलें। बांग्लादेश में जो वर्कर्स हैं उसको उनका इस्तेहसाल नहीं किया जाता, उनके साथ ज़्यादती नहीं की जाती, बल्कि उनके हकूक का हम ख्याल रखते हैं। तो खैर जी, इसी के ऊपर वीडियो है। वेस्ट बंगाल मीडिया मजीद क्या कह रहा है, मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप अंत तक, आखिर तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यूअर्स वीडियो है, बहुत ही अहमियत की हामिल ये वीडियो है, आखिर तक आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। শ্রম নীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অতি তৎপরতা এবার মারাত্মক হুমকি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। অর্থনীতিতে ধাক্কা খাবে বাংলাদেশ। এমনিতেই ডলার সংকট রয়েছে, এমনিতেই রিজার্ভের পরিমাণ কমছে, তার উপর অর্থনীতিতে ধাক্কা খেলে বাংলাদেশের করুণ অবস্থাই হবে। ভারত কি বাংলাদেশকে এই পরিস্থিতিতে গার্ড করবে? আমেরিকাকে সমর্থন করলে ভারতের ক্ষতি। এই পরিস্থিতি থেকে কিভাবে বাংলাদেশকে উতরে দেবে ভারত? বাংলাদেশ এখন টার্গেট, কিন্তু আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তো সেরকম নয়। তাহলে আমেরিকা বাংলাদেশের থেকে এক্স্যাক্টলি কি চাইছে? নভেম্বর মাসে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দেশটিতে সপ্তাহ খানিক ধরে শ্রমিক আন্দোলন চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যারা শ্রমিক অধিকার হরণ করবে, শ্রমিকদের ভয় ভীতি দেখাবে, আক্রমণ করবে, তাদের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা সহ নানান ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র।
যদিও শ্রমের অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে নানান অগ্রগতি হয়েছে, তারপরও কিছু জায়গায় খামতি থেকে গেছে বলেই যুক্তরাষ্ট্রের এমন নিষেধাজ্ঞার ভয় পাচ্ছে বাংলাদেশ। ব্যবসায় ব্যাপক ধাক্কা খাবে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক বাংলাদেশ রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে $740 কোটি পণ্য, দেশের মোট রপ্তানি আয়ের 19.2%। শেখ হাসিনা যদিও বলেছেন, যারা বাংলাদেশের উপর নিষেধাজ্ঞা দেবে সেসব দেশ থেকে কেনাকাটি করবে না বাংলাদেশ। তবে দেশটার রপ্তানি পণ্যের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র, তাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বন্ধ হলে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাবই পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি পণ্যের মধ্যে আছে পোশাক, জুতো, টেক্সটাইল সামগ্রী, কৃষি পণ্য। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম নীতি নিয়ে নতুন ঘোষণা বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই শ্রম নীতির কথা এবার বলে থাকতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। নির্বাচন সুষ্ঠু করার দাবিতে ঘুরিয়ে নাক দেখালো আমেরিকা। বাংলাদেশকে মহাবিপদে পড়তে হলো। দেশটির রপ্তানি পণ্যের বৃহত্তম বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চলতি 2023-24 অর্থবছরেও জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে $2,865 মিলিয়ন বেশি পণ্য। শীর্ষ রপ্তানির বাজার দেশ থেকে এই ঘোষণা বাংলাদেশের কাছে সংকট। व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देख ली। वेस्ट बंगाल मीडिया प्रथम कलकत्ता का जो मीडिया है वो भी यही बात कर रहा है कि बांग्लादेश अगर नेवल बेस दे देता तो वो ठीक था, फिर सब कुछ ठीक था। अगर बांग्लादेश अमेरिका की बात मान लेता, उसके आगे सरेंडर कर लेता, जी हुजूरी कर लेता, शेख हसीना जो वो कहता अमेरिका उसकी वो बात मान लेता, तो आज सब कुछ ठीक था। और इनकी जो मैं कहता हूँ कि जो अमेरिका है उनकी आप हिपोक्रेसी इस इंतहा को पहुँच चुकी है कि इज़राइल जो कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ अगर रशिया करता है तो वो टेरर है, वो दहशतगर्दी है, वो सब कुछ है। यानी यूक्रेन के लोग, यूक्रेन के शहरी अगर असलाह उठाएं, वेपन्स उठाएं, तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर फलस्तीनी मुजाहिद इसके ऊपर लड़ते हैं इसराइल के खिलाफ, तो वो क्या है, वो दहशतगर्दी है। ये देखें, ये मुनाफ़कत की इंतहा है और कुछ नहीं है। अब वो किस मुंह से बांग्लादेश को कहेगा कि आप डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी तरफ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, आपकी रेप फोर्सेस बहुत ज़्यादा गैर कानूनी काम करती है, जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ हम उसके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, हम बांग्लादेश की बिजनेस जो सेक्टर है उसके ऊपर, हम इकोनॉमिक के ऊपर, इन सब के ऊपर हम जनाब वो सेंशंस लगाएंगे। यानी अब बहाने बनाता है मुख्तलिफ। पहले कहता था कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी होती है और जनाब यहाँ पर जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी का बहाना लगाता था। अब वो ये बातें नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है कि मेरे बारे में पता चल चुका है पूरी दुनिया को, यानी अमेरिका के बारे में। अब वो ये चीज़ नहीं कर रहा। अब वो दूसरी तरफ इनडायरेक्टली आके वो तंग करने की कोशिश कर रहा है, यानी नई चाल चली है। यही भारतीय मीडिया इसी के ऊपर व्यूवर्स बात कर रहा है। आपका क्या कहना है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।